उन्नाव माखी थाना क्षेत्र के थाना गांव के सूरज चिन्नई में काम करता था। वहीं उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में 2 तारीख को मौत हो गई। वहीं आज दोपहर 12 बजे करीब 4 दिन बाद शव आया। वहीं परिजनों का आरोप है कि हत्या कराई गई है। परिजनों का आरोप है कि वहां का मालिक सूरज का शव घर नहीं भिजवा रहा था। जब परिजनों ने कंपनी मालिक के ऊपर हत्या का आरोप लगाते हुए बात कही तो उन्नाव SP व BJP विधायक से मिलकर शव को घर मंगवाने की बात भी कही गई। वहीं BJP विधायक ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया कि हम अभी DGP व प्रमुख सचिव से बात करके शव को मंगवाएंगे और इसकी उच्च जांच भी करवाएंगे और इसकी कैसे मौत हुई इसके विषय में जानकारी भी ली जाएगी। वहीं जब आज मृतक सूरज का चेन्नई से थाना गांव शव पहुंचते ही परिवार के लोगों में कोहराम मच गया। वहीं मां सन्नो व बहन रूबी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। वहीं परिजनों ने बताया है कि हम लोगों ने शव को पूरा खोलकर देखा है और उसके चेहरे पर चोट के निशान बने हुए हैं। वहीं परिवार के लोगों का कहना है कि इसकी हत्या हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए, हत्यारों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्नाव से संवाददाता विनोद सोनकर की रिपोर्ट।